नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। इन दिनों पूरे प्रदेश में गहलोत सरकार के सफलतम 3 वर्ष को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही मंत्री भी इन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला अलवर पहुंचे। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में भूगोर बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बालाजी होटल पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद नवीन सूचना केंद्र में राजस्थान सरकार प्रदर्शनी का लोकार्पण किया और साथ में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं की पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हुआ है। 3000 मेगावाट नई बिजली का उत्पादन हुआ है, जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। गहलोत सरकार 20 लाख घरों को पानी के कनेक्शन जारी कर चुकी है। इस साल के अंत तक 20 लाख और घरों को पानी के नए कनेक्शन कराए जाएंगे। 2 वर्षों के अंतर्गत 60 लाख लोगों को जल के कनेक्शन कराए जाएंगे। राजस्थान में यातायात साधनों का विकास हुआ है। राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है, चिकित्सा का विकास हुआ है। पहले मुख्यमंत्री ने दवाइयां मुफ्त दी, उसके बाद चिरंजीवी योजना उपलब्ध कराई। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 3.30 करोड़ बीमा राशि खुद जमा कराई। संवाददाता युवराज शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम हुआ। 20 लाख घरों को अब तक हम जल के कनेक्शन दे चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक 20 लाख घरों को और जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में, यानी वर्ष 2024 के पहले पहले लगभग 60 लाख घरों को जल के कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़कों का जाल बिछाए राजस्थान में, जगह जगह अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड्स बनी है। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है, चिकित्सा का विकास हुआ है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दवाइयाँ फ्री की, उसके बाद जांचें फ्री की, उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की है, उसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का, 3000 करोड़ का बीमा राशि खुद ने उन्होंने जमा कराई है। उससे 3.5 करोड़ लोग 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अन्य लोग जो वंचित रह गए हैं, जैसे इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं और जिनकी इनकम अच्छी है, वे मात्र 850 रुपये में अपना बीमा करा सकते हैं और 1 साल तक कैशलेस इलाज 5 लाख तक का ले सकते हैं।